आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं? विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं कि आज का वचन आपका जीवन बदल दे? कितने लोग अपना जीवन बदलना चाहते हैं? कितने लोग अपना नजरिया बदलना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते हैं कि आपको मिला क्या है, यीशु मसीह के द्वारा आपको मिला क्या है? हालेलुया। एक लड़की की शादी हुई और शादी के बाद 10 साल तक, तकरीबन 10-12 साल तक ऐसा हुआ कि उसको बच्चा नहीं हो रहा था, उसके बच्चा नहीं हो रहा था। बेचारी तड़प रही थी कि मेरे बच्चा हो, इधर जा रही थी उधर जा रही थी, इस मंदिर में उस मंदिर में, इस चर्च में उस चर्च में जा रही थी कि मेरे बच्चा हो, मैं बच्चा चाहती हूं। बहुत फैशनेबल लड़की थी, पार्टीज में जाना उसका शौक था, अपना ब्यूटी पार्लर भी जाती थी, प्लेइंग अपना शी इज प्लेइंग आल्सो, प्लेइंग भी करती थी और बहुत अच्छी तरीके से। डॉक्टर्स ने कहा है कि तू इतना बच्चा बच्चा तो कह रही है कि तुझे बच्चा नहीं मिला, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। पता है बच्चे होने के बाद क्या होगा? कहते क्या होगा? कहता तेरा ये सब खेलना बंद हो जाएगा, ये बाहर जाना बंद हो जाएगा। तू जानती नहीं, एक बच्चा जब तुझे होगा तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तुझे अपने बच्चे की पॉटी साफ करनी पड़ेगी, तेरी जिंदगी तेरी नहीं होगी, फिर तुझे अपने बच्चे के लिए जीना पड़ेगा। उसकी नींद, वो सोएगा तो तू सोएगी, वो जागेगा तो तू जागेगी, तू बच्चा बच्चा मांग रही है। वो कहते नहीं डॉक्टर, मुझे बच्चा चाहिए, मैं जागने के लिए तैयार हूं, उसकी पॉटी साफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा, मुझे मां बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरीके से परमेश्वर ने हमको नया जीवन दिया है। हालेलुया। आप नए जीवन को बहुत आसान समझते हैं ना, जब आप नए बनते हैं, आपका नया जीवन, जिस तरीके से छोटा बच्चा पैदा होता है उसको पालने के लिए आपको अपना जीवन भूलना पड़ता है, उसको पाने के लिए आपको अपना सुख भूलना पड़ता है। इसी तरीके से यीशु के नए जीवन को अगर आपको अपने साथ रखना है तो आपको पुराने जीवन को निकालना पड़ेगा। नहीं रख सकते आप क्यों असफल हो रहे हैं? एक मसीह होने के बाद भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने नया जन्म तो पा लिया है लेकिन उस नए जन्म का पालन पोषण नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको नया जन्म के रूप में आपको एक बच्चा दिया है, आप में आप ही हैं लेकिन आप उसका पालन पोषण नहीं कर रहे क्योंकि आप संसार को अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। जब तक आप अपने उस बच्चे को पालन पोषण नहीं करेंगे उसके लिए आपको खुद को भूलना पड़ेगा और आप भूलना नहीं चाहते, भूलना नहीं चाहते आप। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को पाने के लिए जो आपका नजरिया है वही ठीक नहीं है। आप चर्च आते हैं अपनी बीमारियों के लिए, आप चर्च आते हैं अपने दुखों के लिए, आप चर्च आते हैं अपने उसके लिए नौकरी के लिए, आप चर्च आते हैं धंधे के लिए, प्रभु के लिए आप आते ही नहीं है। प्रभु के लिए जब चर्च आएंगे, प्रभु को पाने के लिए जब प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे तो ही आप आशीष पाएंगे, तो ही आप उस सुख को अनुभव कर पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। आपने कभी यीशु मसीह के नाम के सामर्थ को जानना ही, जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसके नाम में कितना सामर्थ है। आप जानिए कि परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में कितना सामर्थ है। वो नाम स्वर्ग से आया है। मती 1:21 पढ़िए। यीशु मसीह के नाम का सामर्थ, यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है? मैथ्यू 1:21, उस नाम को लेके चलिए।
जल्दी पढ़िए, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पापों से उद्धार करने के लिए सिर्फ एक ही नाम है, यीशु। पापों से और कोई आपको नहीं बचा सकता, पापों से कोई और आपको मुक्त नहीं कर सकता, मेरे भाई मेरी बहन। एक ही नाम है यीशु मसीह, धरती पर दूसरा कोई नाम नहीं है। आपको आपके पापों से उद्धार करने के लिए, आपको आपको पापों से मुक्त करने के लिए एक ही नाम है, और बिना पाप के मुक्त आप स्वर्ग नहीं जा सकते, नहीं जा सकते आप, नहीं जा सकते, आपका न्याय होगा। इब्रानियों 9:27 पढ़िए, हिब्रू 9:27। आप जो समझते हैं ना कि 70-80 साल का जीवन जिया उसके बाद तो बस कहां जाना है क्या है, हर एक अपने नाम के आगे स्वर्गीय लिख देता है, हर एक आदमी स्वर्गीय। कहां गए आपके पिता, नाम क्या आपका, स्वर्गीय। अरे को स्वर्ग में गए हैं कि नहीं गए हैं, हालेलुया। इसलिए क्या लिखा हुआ है, मरने के बाद न्याय होगा। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, नियुक्त है, मरने के बाद न्याय होगा। इसलिए मत सोचिए कि 70-80 साल एंजॉय कर लो उसके बाद कौन देखता है, नहीं भैया, उसके बाद न्याय होगा। आपको आपकी फिल्म दिखाई जाएगी बुलाकर कि आपने इस दिन ये किया था, 10 मई को 12:10 में आप क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, कहते सर मैं तो चर्च में था, 10 मई को संडे था सर, मैं तो चर्च में था, आप सोच क्या रहे थे, मैं तो प्रभु के वचन सुन रहा था। फिर एक फिल्म दिखाई जाएगी, आपका अंदरूनी, आपकी सोनोग्राफी दिखाई जाएगी अंदर से कि आप चर्च में बैठे तो थे लेकिन कहीं और आपका ध्यान था। न्याय होगा, याद करिए, आप भूल जाइए। आप पास्टर हैं तो भी न्याय होगा, आप अगवे हैं तो भी न्याय होगा, आप पास्टर के बेटे हैं तो भी न्याय होगा, न्याय निश्चित है। इसलिए 1 कुरिन्थियों 11:31, अगर तुम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। अगर आप दंड पा रहे हैं आज, अगर आप अभी भी संघर्ष में हैं, आप दंड नहीं पाएंगे। देखिए परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत। आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। मेरे लिए परमेश्वर ऐसा है मैं बता नहीं सकता हूं, रक्षक है मेरा। कल हम भयंदर की कलीसिया से आ रहे थे, मैं अमितेश और नेहा, और वसई ईस्ट से हमने ऑटो पकड़ा और मोबाइल मेरे इधर जेब में था, इधर नेहा थी इधर अमितेश था, और मुझे महसूस हुआ चल रहा ऑटो चल रहा है कि मोबाइल मेरा नीचे गिर गया, और मैंने उसी समय ऑटो वाले से कहा कि मेरा मोबाइल नीचे गिर गया, इनसे कहा, रोका इन्होंने, और मैंने देखा कि पीछे स्कूटर वाला रुका हुआ है, स्कूटर वाले के पैरों में, स्कूटर में आने वाला था, उसने रोककर उस मोबाइल को उठाया, पीछे कार थी, ट्रैफिक था। देखिए परमेश्वर कैसे बचाता है, मेरे मोबाइल के ऊपर एक कार भी चली जाती, स्कूटर चला, मैं कुछ नहीं कह सकता था, मेरी गलती थी, आमीन। लेकिन परमेश्वर कैसे बचाता है, वो बताता है कि मैं हूं। मेरे भाई कुछ भी करिए परमेश्वर को खुश करने के लिए, जीवन में काम करिए, मैं आपको सच कह रहा हूं, अपने जीवन को खुश, परमेश्वर को खुश करने के लिए अपना जीवन बिताइए। हर काम ऐसा करिए कि जिससे आपका पिता खुश हो। मेरा पिता नाराज हो कोई ऐसा काम ना करूं, कोई ऐसा विचार मेरे अंदर ना आए।
आपको हर बीमारी से, हर दुख से, हर दुविधा से परमेश्वर उठाता रहेगा, अपने आप उठाता रहेगा, आप सोच नहीं सकते। और अगर आपने परमेश्वर के अगेंस्ट काम किया है, परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है, तो आप ऐसे ऐसे खर्चे आपके जीवन में आएंगे, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, ऐसे ऐसे खर्चे आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि यार एक के बाद एक के बाद एक के बाद। आपको याद है शमौन पत्रस को यीशु मसीह ने क्या कहा था कि शैतान ने तुझको गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है। याद है आपको लूका 22:31-32-33 कि गेहूं को गेहूं की तरह पटकने के लिए तुझको मांग लिया है। यानी कि जब गेहूं निकालते हैं, जो किसान निकालता, कैसे निकालता गेहूं, एक के बाद एक, एक, टाक, टाक, एक के बाद एक। तो यानी कि अगर आप शैतान आपके जीवन में आ गया और आप प्रभु के बंदे हैं, तो आपके जीवन में दुख और संकट और परीक्षाएं एक के बाद एक, ठाक ठाक ठाक। परमेश्वर से दूर होने का कोशिश मत करिए। अगर शैतान के चंगुल में आ गए तो आप गेहूं की तरह पटके जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप समझते हैं ना कि अरे मैं अपनी अपनी बुद्धि से चल रहा हूं, अपनी बुद्धि से मैं सक्सेस हूं, अरे कल मैंने कितनी ये मेहनत की, ये किया, वो। आप अगर चल रहे हैं मेरे भाई, तो ये उसका अनुग्रह है। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो उसका अनुग्रह है। अगर आपके बच्चे सुरक्षित घर से बाहर जाकर वापस आ रहे हैं तो उसका अनुग्रह है, उसका अनुग्रह है। नहीं तो आप देखें कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आपका और मेरा बच्चा क्यों बचाया जा रहा है कि उसने बाड़ा बांधा हुआ है। आप नहीं समझ रहे इसको, आप धन्यवाद नहीं दे रहे। मैं देता हूं क्यों अय्यूब बच्चों के आने के बाद उनका उनकी वो करता था कि वो पवित्र हैं कि नहीं, क्यों? ताकि वो बाड़ा बना रहे। शैतान ने कहा था ना कि अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बंधा हुआ है, तीन बाड़े बंधे हुए हैं, एक अय्यूब के पूरे परिवार के ऊपर, एक बच्चों के ऊपर और एक इंडिविजुअल अय्यूब के ऊपर। क्यों उसके बच्चे जब खाना खाकर आते थे, पार्टी से आते थे, वो हर सुबह आकर अपने बच्चों को बच्चों के गिनती के हिसाब से वो बलि करता था, पवित्र करता था। क्यों? ताकि जो बाड़ा बंधा हुआ है वो मजबूत हो रहे, वो बाड़ा ना निकले। हिनोस की मेरे ऊपर बाड़ा है, इसीलिए आपके ऊपर बाड़ा। याद रखिए परमेश्वर के विरुद्ध काम करेंगे बाड़ा हट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब प्रॉब्लम आ गई है। हेलो आमेन। तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, नजरिया। आप कैसे देखते हैं अपने नए जन्म को, आप कैसे देखते हैं यीशु को, आप कैसे देखते हैं परमेश्वर को, आप कैसे देखते हैं कलीसिया को, आप कैसे देखते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को, आप कैसे देखते हैं परमेश्वर की वाचा को, आप कैसे देखते हैं परमेश्वर के प्रोमिसेस को, कैसे देखते हैं आप, कैसे देखते हैं। हालेलुया। अय्यूब, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि एक घंटे के अंदर उसका सब कुछ खत्म हो गया था, उसके जानवर मवेशी खत्म हो गए, उसके नौकर चाकर खत्म हो गए, उसके 10 बच्चे खत्म हो गए, और अल्टीमेटली उसके ऊपर फफोले आ गए उसके शरीर में। सब कुछ एक घंटे के अंदर खत्म हो गया। हालेलुया। फिर भी जब उसके उसकी पत्नी ने कहा कि तू अब निंदा क्यों नहीं करता है, तो उसने क्या कहा पता है? दूसरा अध्याय पढ़ेंगे अय्यूब का, मैं वचन निकालता हूं वाला। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? मैन, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? कभी ऐसा आप सोच सकते हैं? आप सोचते हो डरेंगे। उसने बोला, क्या मैं परमेश्वर के हाथ से सुख लूं दुख ना लूं? कभी कहते किसी को सुना है?
वो अय्यूब था, उस समय बाइबल नहीं थी, उसके पास बाइबल नहीं थी, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं थी, उसके पास मूसा की व्यवस्था नहीं थी, उसके पास यीशु मसीह की वाचा नहीं थी, उसके पास संगति नहीं थी, उसके पास ऐसी मीटिंग नहीं हुआ करती थी, उसके पास यूट्यूब नहीं था। अय्यूब, क्योंकि उसने परमेश्वर को जिस नजर से देखा था ना, इसलिए परमेश्वर ने कहा यही मेरा धरती पर अगर कोई खड़ा है तो सिर्फ अय्यूब है। हालेलुया। मैन जिसका सब कुछ चला गया है, आज आपकी नौकरी चली जाए और आपसे बोलो परमेश्वर की महिमा करो, तो आप दो मिनट के लिए चुप हो जाएंगे। आप पूछेंगे पास्टर क्या यार, अभी अभी नौकरी मिली है मुझे, रिजिग्नेशन अभी आया है, और अभी आप कह रहे हो परमेश्वर की महिमा कैसे हुआ? उसने कहा क्या मैं उससे सुखी लेता रहूं, दुख ना लूं? और 13:15 पढ़िए, इसी का 13:15, चाहे वो मुझे घात करे फिर भी मैं उसमें आशा रखूंगा। हेलो, शांत हो गए? हेलो, डर गए? बोलिए यीशु मसीह की आमेन। चाहे वो मुझे घात करे, चाहे वो मुझे मारे, फिर भी मैं उसमें आशा रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही वो खड़ा नहीं था। क्या आप ऐसा सोच सकते? आपकी जरा सी बीमारी आपके अंदर संदेह लेकर आ जाती है। अरे यार, एक महीने से बीमार हूं, चढ़ जा रहा हूं, क्या परमेश्वर? मैन क्यों मुझे घात करे और मैं आशा नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि वही है जन्म देने वाला, वही है और कोई नहीं है, वही है जिसने हमें सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला, दलदल के कीचड़ में से निकाला, वही है जिसने हमें चट्टान पर खड़ा कर दिया, वही है जिसके पास आशा है और कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस पर आप विश्वास करें। आप अपने माँ बाप पर इतना विश्वास नहीं कर सकते जितना आप यीशु पर कर सकते हैं। वही है आशा, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए इसका 23:10 पढ़िए, 23:10, अय्यूब 23:10। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आमीन। एक आदमी का सब कुछ चला गया, उसके जानवर चले गए, उसका धन संपत्ति चला गया, उसके फैक्ट्री चली गई, उसके बच्चे चले गए, और उसके बाद भी वो अपने दोस्तों से घमंड से कह रहा है कि जब वह मुझे परखेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। आमीन। इतना होने के बावजूद भी वो चाहता है कि वो उसे परखे। आप डर जाते हैं परीक्षा में पढ़ते हैं, डर जाते हैं, जरा सी परीक्षा आती है डर जाते हैं। आपको पता है परीक्षाएं क्यों लाता है परमेश्वर? ताकि आप में वो अपना स्वभाव डाले। क्यों देर करता है आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी कभी? क्यों करता है? ताकि आप उसे और समझें। क्यों आप वो आपको परीक्षाओं में डालकर, आजमाइशों में डालकर देर करता है? वो देखना चाहता है कि जिसको मैंने चुना है वो मेरे योग्य है कि नहीं है। आपके घर में बर्थडे होगा ना मेरे भाई मेरी बहन, शादी होगी ना, तो दूसरे लोग भी आ जाएंगे, आपके बेटे की शादी है, सब लोग आ जाएंगे खाना खाने के लिए सब जगह। लेकिन जिस दिन आप बीमार होंगे, संकट में होंगे, जिस दिन आपके पैसा नहीं होगा, उस दिन कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। और जो उस दिन आएगा वही आपका है, जो उस दिन आएगा वही आपका अपना है।
Praise the Lord. वो देखना चाहता है कि तू परीक्षाओं में मुझसे कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। अरे वो ऐसे चुटकी में आपके जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे मैंने देखा है, मैंने अपने जीवन में देखा है। ऐसे बहुत सी चुनौतियां मेरे जीवन में आई, लेकिन ऐसे दूर हो गई, ऐसे दूर हो गई, क्योंकि मैं जानता हूं मैं उसका चुना हुआ दास हूं। मैं एक धर्मी हूं, मैंने कोई स्वार्थ का काम नहीं किया, मैंने कभी भी गलत काम नहीं किया, मैंने कभी भी उसके खजाने में गलत हाथ नहीं डाला है कि मुझे पैसा मिला प्रभु के लिए और मैंने अपने लिए यूज कर लिया। नहीं, नहीं। एक एक रुपया हम अलग करते हैं, एक एक रुपया अगर हमारे झोली में आता है, दान दशांश के बैग में, एक एक रुपए का हम हिसाब रखते हैं, क्योंकि मुझे आपको नहीं, मुझे परमेश्वर को न्याय के आसन के सामने मिलना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं खरा निकलूंगा तो सोने के समान निकलूंगा। 23:10 पढ़िए दोबारा से, 23:10। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आमीन। 19:15 पढ़िए बेटे, 19:25-26 इसी का, 19:25-26 अयूब, जोब 19:25-26। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। हेलो, आपका छुड़ाने वाला क्या है? बोलिए एक बार दोबारा से, आपका छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आमीन। हालेलुया, जोर से तालियां बजाइए। मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जब भी मुश्किलें होंगी, तनाव होगा, आजमाइशें होंगी, वो मेरे सामने खड़ा होगा। क्यों कह रहा है ये वचन? क्यों, कभी भी निराश मत होइए मेरी बहन, कभी भी निराश मत होइए। आपका छुड़ाने वाला जीवित है, आपकी समस्याएं कोमल दूर होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किस इशू को प्यार करती है? आपको यह पता है, मरियम मगदलीनी के बारे में 20 पढ़िए, यूहन्ना 20 1-2 पढ़िए जल्दी से। सप्ताह के पहले मरियम मगदलीनी, जो कि चुनी हुई नहीं थी, चुने हुए उसके चेले थे, लेकिन मैं यहां पर मरियम मगदलीनी का आपको प्यार दिखाना चाहता हूं, उसका प्रेम दिखाना चाहता हूं, उसका नजरिया दिखाना चाहता हूं कि वो कैसे इशू को देखती थी, कैसे इशू को देखती थी। बहुत से मसीह हैं जिनके लिए जीवित इशू ही चाहिए। इशू मेरे जीवन में काम कर रहा है, मेरा है। इशू मुझे नौकरी दे रहा है, मेरा है। इशू मुझे धंधा अच्छा कर रहा है, मेरा है। जीवित इशू चाहिए आपको, मरा हुआ इशू नहीं चाहिए जो कुछ काम ना कर सके, जो आपको धंधे में आगे नहीं बढ़ा सके, आपके कर्जों से मुक्त ना कर सके। आपको ऐसे इशू चाहिए? इशू मरियम मगदलीनी को ऐसा ही इशू चाहिए था। सोचिए, इशू मर गया और कब्र में है, और सुबह सुबह उसके चेले ऊपरी कोठरी में बैठे हुए हैं, और मरियम मगदलीनी जाती है। पढ़िए बेटा। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पत्रस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पत्रस और वह दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले, वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। परंतु अभी 13 पढ़ो आप, 12-13 इसी का। दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा,
वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। Amen. यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। Amen. वो मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। Amen. यीशु मर गया है, फिर भी मरियम मगदलीनी कह रही है मेरा प्रभु है, मेरा यीशु है। उसकी लाश को लोग उठाकर लेकर गए हैं। उसके चेले उसके मरने के बाद ऊपरी कोठरी में बैठे हुए थे, जो चुने हुए थे, लेकिन मरियम मगदलीनी जिसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, वो सुबह 3 बजे अंधेरे में, जबकि स्वर्ग दूतों को देखकर वहां के जो सैनिक थे वो बेहोश हो गए, वो अकेली खड़ी औरत कि मेरा प्रभु कहाँ है? वो मर गया है तब भी मेरा ही है, मेरा यीशु मर गया तब भी मेरा ही है। आमीन। वो मेरे जीवन में कुछ करे ना करे, मेरा यीशु मेरा प्रभु है। जिस दिन आपका ये नजरिया होगा कि वो मेरे जीवन में कुछ करे या ना करे, वो मेरा प्रभु है, मेरा यीशु, मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है यही मरियम मगदलीनी जब यीशु मसीह शमौन के घर में गया था, शमौन कोढ़ी के घर में गया था, और वहां पर यीशु मसीह बैठा हुआ था, उसने उसके सिर पर इत्र की बोतल डाल दी थी। याद है आपको? इत्र की बोतल उसके सिर पर डाल दी थी और यीशु मसीह खुश हुए थे। चेले कुड़कुड़ा रहे थे कि क्या है, इतना फिजूल हो रहा खर्चा। यीशु मसीह खुश हुए थे। किस बात से खुश हुए थे? वो देख रहे थे उसका प्रेम, कि वो कितना प्रेम करती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी के सिर पर आप पूरी इत्र की बोतल फोड़ देंगे, डाल देंगे, आप खुश होंगे या दुखी होंगे? अरे क्या है, मैं किसी घर में खाना खाने के लिए आया हूं, क्या है तुम? हालेलुया, क्योंकि वो मरियम मगदलीनी की ईमानदारी देख रहे थे कि उसे प्रेम करना आता है, लेकिन कैसे प्रेम करना आता है ये नहीं पता। हम सोचते हम कैसे प्रेम करें जिससे प्रभु खुश हो। दो बार हालेलुया बोलूं, 3 बार प्रेज द लॉर्ड बोलूं, लोगों को दिखाने के लिए सेवा करूं, नहीं, प्रभु आपकी ईमानदारी से खुश होता है। हालेलुया। मत्ती 6:1 कहता है कि अपनी सेवा धर्मियों को, अपनी धार्मिकता के कार्य लोगों को दिखाने के लिए मत करो, नहीं तो कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नजरिया था उसका। आपका नजरिया क्या है मेरे भाई मेरी बहन? आप जब कलीसिया आते हैं तो क्यों आते हैं? अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए, अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, या यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु से और संबंध बनाने के लिए? जिस दिन आपने यीशु का ज्ञान पा लिया, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको कहीं पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। 10 कोड़ी की जो कहानी मैं आपको अंत में बताता हूं, उसके बाद बंद करूंगा। हालेलुया। लूका 17 11 से 19 के बीच में 10 कोड़ियों की कहानी, दृष्टांत देखिए। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोड़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उसे देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है?
क्या उस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, Amen. बस 10 कोढ़ी थे यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए आए थे, 10 लोग कि मुझे चंगा कर यीशु मसीह, मैं कोढ़ी हूं, मुझे चंगा कर। यीशु मसीह ने कहा, जाते जाते याजक को दिखा, और रास्ते में जाते जाते 10 होकर 10 चंगे हो गए। हालेलुया। एक आया उसमें से, एक वापस आया कि मैं जाके परमेश्वर की महिमा करूं। मैं बताऊं, यीशु मसीह को तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। और 9 के 9 कहां चले गए? एक यीशु को दिखाने के लिए आया कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं, 9 कहां चले गए? संसार में चले गए, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। तू कह रहा था मैं कोढ़ी हूं, देख मैं ठीक हो गया। अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए, देख तूने मुझे इसलिए छोड़ दिया था ना कि मैं कोढ़ी हूं, देख बिल्कुल ठीक हो गया। Yes. 9 कहां गए? संसार में दिखाने के लिए कि मैं शुद्ध हो गया हूं, मैं कोढ़ी नहीं रहा। एक वापस आया यीशु मसीह के पास। Praise the Lord. अनंत काल का जीवन किसको मिला? हालेलुया। हम इस जीवन को देखते हैं, परमेश्वर क्यों आपको चंगा नहीं करता, क्यों आपको छोटा सा सुख नहीं देता? क्योंकि परमेश्वर आपको अनंत काल का सुख देना चाहता है, आपको छोटा सुख देना नहीं चाहता है। फिलिप्पियों 2:14 पढ़िए जल्दी से। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। आमीन। ये छोटी सी आज्ञा है परमेश्वर की, कभी आपने सुना है इस आज्ञा के बारे में? और अगर ये आज्ञा आपके घरों में लागू हो जाए तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। दोबारा पढ़िए बेटा। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बिना कुड़कुड़ाए, अगर आप सोचिए कि आपके घरों में कुड़कुड़ाहट नहीं है और कोई डिस्कशन नहीं है और सारे काम चल रहे हैं, तो आप स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन शैतान नहीं चाहता, शैतान आपके अंदर पति पत्नी के बीच में कुछ ना कुछ ईगो की प्रॉब्लम, घमंड की प्रॉब्लम, गुस्से की आत्मा, नफरत की आत्मा, ये सब लेकर आता है ताकि आप कोई भी काम बिना कुड़कुड़ाए नहीं करते, कुड़कुड़ाते हैं। अरे यार, जैसे इस आदमी के संग शादी की है, तंग आ चुकी हूं मैं, ये आदमी गलत है, मेरी सुनता ही नहीं। निर्विवाद कोई काम नहीं होता। एक आदमी ने कहा और औरत ने कर लिया, क्या ऐसा होता है? हाँ के ना, सब लोग चुप हैं, क्योंकि सबके घरों में विवाद होता है, कुड़कुड़ाहट होती है। बाइबल कहती है सारे काम बिना कुड़कुड़ाए और निर्विवाद करो, ये उसकी आज्ञा है। तब आप अपने घरों में स्वर्ग का अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया। ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, करेंगे आप? हालेलुया। नेक्स्ट वीक मैं आपसे पूछूंगा, ये होमवर्क है आपके लिए। पति बोले चुप रहिए, प्रार्थना करते रहिए, अपने आप होगा। हमारा मकसद है कि हमारा घर स्वर्ग का आशीष हो, हमारे घर में स्वर्ग हो। कितने लोग अपने घरों में स्वर्ग देखना चाहते हैं? आपके हाथ में, आपके हाथ में। आपको पता है कि जो पत्नी बोल रही है वो गलत है, चुप रहिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर पर छोड़िए, परमेश्वर उसे बुद्धि देगा। आपको बोल रहा है कि आपका पति गलत है, चुप रहिए, कितना नुकसान हो जाएगा? 8,000 का 9,000 का 10,000 का नुकसान हो जाएगा। आपके पति की अगर बात मानेंगे चलेगा वो, लेकिन स्वर्ग रहेगा। अगर 10,000 का नुकसान के बाद स्वर्ग मेरा है तो मुझे मंजूर है 10,000 का नुकसान। प्रेज द लॉर्ड। मैं विवाद करूं उससे मेरा अगर भौतिक नुकसान 10,000 का हो रहा है तो चलेगा, क्योंकि स्वर्ग का आशीष मुझे मिलता है। आमीन। विश्वास करिए, हर काम बिना कुड़कुड़ाए और निर्विवाद करिए। आज का वचन अच्छा लगा आपको? प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ।
हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद। देखने और सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं, बुद्धि ज्ञान और समझ मांगते हैं। हर काम अपने घर में बिना कुड़कुड़ाए और निर्विवाद करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमेन, आमेन, आमेन।